यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। वैसे भी जिन चार इलाकों का आज रूस में विलय का ऐलान हुआ है, वहां बारूदी बारिश अभी रुकी नहीं है। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या पुतिन यूक्रेन में ऑपरेशन बंद करेंगे या फिर पुतिन कोई नया ब्लूप्रिंट रिलीज करने वाले हैं। पूरी दुनिया इस आशंका से घबराई हुई है कि आखिर पुतिन के दिमाग में अब चल क्या रहा है। मारियुपोल तबाह कर दिया, अब पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। लुहांस्क पर कब्जा हो गया, अब पुतिन आगे क्या करेंगे। रेफरेंडम के नतीजे आ गए, अब पुतिन का अगला टारगेट क्या है। रेफरेंडम के नतीजों का ऐलान करते हुए पुतिन ने कहा, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़्या, खेरसोन के लोग अब रूसी नागरिक हो चुके हैं। अगर इन पर हमला हुआ तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। रूस के प्रिय निवासियों, डोनेस्क और लुहांस्क पे अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पोल्स रिपब्लिक के निवासियों, ज़ेपोरिज़्या और खेरसोन क्षेत्र के लोग, आप जानते हैं कि जनमत संग्रह हुआ है, परिणामों की गणना की गई है, लोगों ने अपनी पसंद बताई है, उनकी पसंद साफ है। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़्या, खेरसोन के लोग अब रूसी नागरिक हो चुके हैं। अगर इन पर हमला हुआ तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। रूस अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। बहुत सारे लोगों को पहले ही पता था कि नतीजे क्या आने वाले हैं। अब इनके रूसी फेडरेशन में मिलने की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई, लेकिन सवाल यह कि क्या यहां से चीजों का पटाक्षेप होता है या यहीं से बात शुरू होती है। पुतिन क्या सोच रहे होंगे, उनके ब्रेन की मैपिंग जरूरी है। कुछ दिन पहले पुतिन ने 17वीं सदी के रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी तुलना उनसे की थी। पुतिन ने कहा था, जिस तरह पीटर ने अपने रूसी इलाकों को वापस लेने के लिए लंबा युद्ध लड़ा, बिल्कुल उसी तरह आज उनकी अगुवाई में रूस कर रहा है। पुतिन यूएसएसआर वाले अखंड रूस का सपना देखते हैं, इसलिए ये तय है कि पुतिन यहाँ नहीं रुकेंगे। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए यूक्रेन के इस नक्शे को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़्या और खेरसोन के जितने इलाके पर रूसी कब्जा है वो यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का करीब 20% है। 92,000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका भारत के पश्चिम बंगाल जितना बड़ा है। पुतिन ने खुद रेफरेंडम के नतीजों का ऐलान किया। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़्या और खेरसोन शहरों के हेड्स ने क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए और फिर ऑफिशियली ये चारों शहर रूस के नक्शे में शामिल हो गए। इसके बाद अगर यूक्रेन ने इन इलाकों को वापस लेने के लिए संघर्ष किया तो इसे रूस पर हमला माना जाएगा। पुतिन इसे रूस की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला कहेंगे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर रूसी अखंडता पर चोट हुई तो वो एटम बम का इस्तेमाल करने से भी नहीं गुरेज करेंगे। लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज़्या पर कब्जे के बाद रूस इस युद्ध में एक नतीजे तक पहुंच जाएगा। इसके बाद पुतिन इस युद्ध में सीज फायर का एक तरफा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज़्या पर कब्जे के बाद अब पुतिन का अगला टारगेट होगा यूक्रेन का ओडिशा शहर। ओडिशा पर कब्जा करते ही यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट पर भी रूसी कब्जा हो जाएगा। सी ऑफ अजोव से पुतिन यूक्रेन का कनेक्शन पहले ही काट चुके। ओडिशा पर कब्जा होते ही यूक्रेन का कनेक्ट ब्लैक सी की समुद्री सीमा से पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन ओडिशा पर कब्जे के बाद भी पुतिन का मिशन अखंड रूस लगातार जारी रहा तो उनका अगला टारगेट जॉर्जिया होगा। यूक्रेन की तरह रूस ने जॉर्जिया के अलगाववादियों को भी शहीद रखी है। यहाँ के अबखजिया और दक्षिणी ओसेटिया इलाकों में मौजूद विद्रोहियों को रूस से बकायदा सपोर्ट मिलता है। जॉर्जिया पर कब्जा करने के लिए रूस साल 2008 में भी एक बार कोशिश कर चुका है। तब जॉर्जिया के साथ रूस का 5 दिन तक युद्ध हुआ था। रूस ने जॉर्जिया पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं और साल 2019 के बाद से दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बंद है। तो अगर रूस का विजय रथ यहां पर नहीं रुका तो पुतिन का अगला टारगेट लिथुआनिया भी हो सकता है। सिर्फ 28 लाख की आबादी वाला लिथुआनिया पहला सोवियत गणतंत्र था जिसने यूएसएसआर से आजादी का ऐलान किया और इसी के बाद रूस टुकड़े टुकड़े हो गया था। साल 2020 में बेलारूस और रूस ने मिलकर लिथुआनिया पर आक्रमण का
युद्धाभ्यास भी किया था। जो पुतिन के दिमाग को समझते हैं वो बकायदा जानते हैं कि पुतिन के लिए ये नामुमकिन भी नहीं है। पुतिन साल 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर चुके हैं। 2014 में भी पुतिन ने रेफरेंडम कराकर क्रीमिया पर कब्जा किया था, फिर रेफरेंडम बता रहा है पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।